नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का फिल्म, जिस फिल्म का नाम है प्रेम के पुजारण, समरसी फिल्म्स मीडिया इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले बनी ये फिल्म आज से सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है। 6 राज्यों के तकरीबन 40 सिनेमाघरों में खेसारी लाल यादव और यामिनी सिंह स्टार और फिल्म प्रेम की पुजारण को रिलीज किया गया है और जानकारी निकलकर सामने ये आ रही है कि खेसारी लाल यादव के इस फिल्म को देखने के लिए लोगों का जनसैलाब जो है वो उमड़ता नजर आ रहा है। लेकिन इस कड़ी में एक सिनेमाघर की काफी ज्यादा चर्चा होती है और वो सिनेमाघर कोई और नहीं बल्कि आनंद मंदिर थिएटर, जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। इस सिनेमाघर में 4 शोज जो है वो लगातार खेसारी लाल यादव के लगने वाले हैं और इसको लेकर जो आनंद मंदिर थिएटर फेसबुक अकाउंट है उस पर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं जो है वो कहीं ना कहीं की जा रही है और हर लोग जो है वो इस फिल्म को देखने का इंतजार भी कर रहे थे। तो बनारस से जो आनंद मंदिर है वहां पर फेसबुक पर एक पोस्ट आया है जो कि खेसारी लाल यादव के और जो फिल्म है यानी कि प्रेम के पुजारण, उसकी तस्वीर को साझा किया गया है और लिखा है कि ढोल नगाड़े के साथ आज से शुभारंभ है। यानी कि खेसारी लाल यादव के इस फिल्म को ढोल नगाड़े के साथ जो है वो शुभारंभ किया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देती है तो दर्शकों को किस कदर पसंद आती है। इस वैलेंटाइन वीक में प्रेम पर बनी यानी कि लव स्टोरीज बनी फिल्म दर्शकों को कितना ज्यादा पसंद आती है और खेसारी लाल यादव और यामिनी सिंह के जोड़ी को दर्शक जो है वो कितना प्यार देते हैं। अगर मैं बात करूं प्रेम की पुजारण की, तो प्रेम की पुजारण को समर राज ने प्रोड्यूस किया है, पंकज सिन्हा जो हैं वो इसके निर्देशक हैं। इसके अलावा इस फिल्म में कमाल कमाल के गाने भी देख सकते हैं। कृष्णा बेदर्दी ने कमाल का गाना इसमें लिखा हुआ है, म्यूजिक भी दिया है, तो गाना भी इस फिल्म का कमाल का हो सकता है। तो आप लोग जाइए, जरूर देखिए फिल्म को और हमें बताइएगा। शाम में मैं लेकर आऊंगा कि आखिरकार एक दिन का आंकड़ा इस फिल्म ने कितना किया है। बाकी इस अपडेट को लेकर अपनी राय बताइए। धन्यवाद।